प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले महर्षि भारद्वाज आश्रम का रेनोवेशन किया जा रहा है। रेनोवेशन के बाद आश्रम माता अनसुईया और मां काली मंदिरों सहित आसपास के मंदिरों के साथ नए कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि संगम नगरी में आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कई नई सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। भारद्वाज आश्रम का पर्यटन विकास कार्य इस बार पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत। इसकी लागत 13,35,00,000 है, जिसमें हम लोगों ने कॉरिडोर के साथ ही इसमें बेसिक जो एमिनिटीज़ के वर्क हैं वो भी ले रखे हैं। हमने पेयजल सुविधा ले रखी है, टॉयलेट ब्लॉक ले रखा है, फ्लावर शॉप है। इसके साथ ही हम लोगों ने मंदिर के सर्कुलेशन स्पेस को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि महाकुंभ के दृष्टिगत आने वाले पर्यटकों की संख्या काफ़ी संख्या में होगी, इस वजह से हम लोगों ने सर्कुलेशन स्पेस का इसमें ध्यान रखा है। पर्यटन विभाग का कहना है कि कॉरिडोर के नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। कॉरिडोर्स की भव्यता को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम लोगों ने म्यूरल्स जो कि भरद्वाज ऋषि से संबंधित जो कथाएं हैं उनको हम म्यूरल के फॉर्म में दिखाएंगे, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को ये हम बता सकें कि जो है भरद्वाज ऋषि की कहानी क्या है और रामायण से रामवन गमन स्थल से ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग इसका पर्यटन विकास कार्य करा रहे हैं और लगभग हम लोगों ने जो अपनी टाइमलाइन तय की है वो 15 नवंबर की है कि 15 नवंबर तक हम लोग इसका समस्त कार्य पूर्ण कर लें। महाकुंभ अगले साल जनवरी में शुरू होगा, इसलिए प्रयागराज प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।